हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गार्डनिंग गाई मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत से पौधे वेरीगेटेड कसावा के बारे में। इस प्लांट को कई अलग अलग जगह पर मैनीहोट का पौधा भी कहा जाता है। ये प्लांट दरअसल दो तरह का होता है। एक तो आप ये देख सकते हैं इसकी लीव्स जो है ग्रीन के ऊपर येलोइश है, तो ये वेरीगेटेड वैरायटी हो गई। और एक आती है इसकी नॉर्मल वैरायटी जिसमें इसके लीव्स पूरे ग्रीन होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इस प्लांट के सबसे पहले प्रोपगेशन की, तो इसे आप इस अब देख सकते हैं कट करके भी इसे हम ग्रो कर सकते हैं। ये अपने ब्रांचेस से ईजिली ग्रो हो जाते हैं, या फिर इसके रूट के नीचे जैसे स्वीट पोटैटो होता है वैसे इस तरह का ट्यूब्स तैयार होते हैं जिसे आप वापस प्लांट करके एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट देखने में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं ये प्लांट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि येलो जो कलर है इसके ग्रीन कलर के लीव्स पर, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर इसकी खूबसूरती और एनहेंस इस तरह होती है कि आप देख सकते हैं इसकी जो लीफ का जो शूट होता है वो रेड कलर का होता है। अब अगर हम बात करें इस प्लांट के बारे में, तो आप देख सकते हैं ये प्लांट के केयर करने के लिए आपको एज सच कुछ ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता। आपको इसके प्लांट की जो सॉइल है उसको हमेशा हल्का मॉइस्ट रखना होगा, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। आपको इस प्लांट को ऐसी जगह पे प्लेस करना होगा जहाँ पे इसे 4 से 5 घंटे धूप मिले। अगर आप मेरी माने तो आप इस प्लांट को हमेशा ट्राई करें कि आप एक गमले में ही इस प्लांट को लगाएं, क्योंकि अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाएंगे और बहुत ज़्यादा स्पेस देंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी एक ट्री का आकार लेके एक बहुत बड़ा आकार ले लेगा। इस प्लांट को अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट सीज़न मॉनसून का सीज़न होता है, क्योंकि उस टाइम ये प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। फर्टिलाइजर्स इस प्लांट में ज़्यादा एज सच कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लांट को बहुत हल्की माइन्यूट फर्टिलाइजेशन की नीड होती है। बाकी आप अगर देखिए, इस प्लांट को भी मैंने नर्सरी से ही परचेज़ किया है। अभी अब मैं इसे रीपॉटिंग करके एक बड़े पॉट में लगाऊंगा, करीब करीब 12 इंच के पॉट में, और इसकी अपडेट मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये नर्सरी से मैं जहां से लाया हूं उसने भी इस प्लांट को कटिंग से ही ग्रो किया है। ये तो नर्सरी वाले ने मुझे खुद ही बताया था। अब दोस्तों, इस प्लांट में आपको खास ख्याल ये रखना है कि आप ओवर वाटरिंग ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। अगर आपको किसी भी प्लांट पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।